दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत छोटे गांव होते हैं, अगर हम मैदानी गांव से उनकी तुलना करें, लेकिन फिर भी कुछ गांव हर ज़िले में इतने बड़े होते हैं कि वहां पर उनकी तुलना हम मैदानी गांव से आसानी से कर सकते हैं। 300 परिवार, 500 परिवार, इस तरीके के बड़े बड़े गांव भी पहाड़ की जो घाटियाँ हैं उनमें बसे हुए हैं। ऐसा ही एक गाँव है निसणी, जो पौड़ी गढ़वाल का जो पौड़ी शहर है, जो मुख्यालय है, उससे करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। पहले इस गांव में लगभग 400 से ज़्यादा परिवार रहते थे, लेकिन आज भी लगभग 200-250 से ज़्यादा परिवार इस गांव में रहते हैं। गांव की बसासत कैसे हुई, क्या कहानी है निसणी गांव की, वो इस पूरी कहानी में हम आगे बताएंगे आपको। तो चलते हैं पौड़ी शहर के नज़दीक बसा एक खूबसूरत गाँव निसणी की सैर पर। गाँव है निसणी, सबसे बड़ा गाँव है पौड़ी जिले का, पट्टी का है। इसमें हमारे गांव में पहले जो थे, मतलब 400-500 से परिवार रहते थे, अभी पलायन होने के कारण मतलब थोड़ा संख्या कम हो गई है। गांव बसा कैसे होगा, किस तरह से लोग आए होंगे? हमारे गांव का जो इतिहास है पुराना, जो हमारे पूर्वज कहते थे, मतलब ये सबसे पहले मतलब इस गांव में नेगी जात, भंडारी जात का ये मतलब विशेष गांव है। उसके बाद परिवर्तन होता रहा, अन्य मतलब जातियां भी यहां आ चुकी हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जनसंख्या मतलब 400-500 मतलब जो है परिवार आ रखे हैं। फौज में भी काफ़ी होंगे और नौकरियों में भी काफ़ी। इस गांव के मतलब जो है सारे मिला के 100-150 में फौज में भी नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट भी आ गए, कुछ अन्य मतलब विभागों में भी काम करने वाले हैं, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट भी हैं, पलायन भी ज़्यादा है। हमारे इष्ट देवता घंटाधरण घंटियाल देवता जी, जब उनके 3 साल में पूजा होती है तो पूरे गांव में जो है जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन दिनों में पूजन के लिए सब घर पहुँचते हैं। निसणी गांव के बारे में कुछ और जानते हैं, बातचीत गढ़वाली में भी होगी, लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि दोनों जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या क्या कहा। आप उगनो क्या चे? मैं ना राजेश्वरी। मैं कक्षा पो गुरदोरशो। गुरदोरशो पट्टी गांव भी गुरदोरशो पट्टी गुरदोरशो चा हां और गांव चुपड़ियो च। अच्छा, तो जब आप एक आवला ब्याह करी की तब और आज ओ गांव में कद अंतर हो गया? बहुत जमीन आसमान छे। कन हो न तब आजकल हमारे बारह तो कन छो एक रोटी मिल जाते अबर दिन एक रोटी वो भी चूना की है। और खैर कम तो नहीं हुआ खाने पीने की, पर खानो को तो झगड़ो छो तो ये मतलब भाते डाल सही इधर का वहां बाड़ी छो झूठ नहीं बोने छो गलत भी नहीं। हाँ, पर आज तो बुने बात ही नहीं। क्या बुने बात नहीं? आना आज लोग खानो पीणो
रहना सहना सब बदल गया, सब बदल गया। हम अबरी 14 पुला घासा कटा छार एक बांजो गट्ठा अबरी और बांजे गड़ काटी के डांडा धारे जा कि पत्रो लान बोल। आज भी यूं छ ना पर लुकी कटना हां किला के रोज रोज थमल बिकके देना ना था। गरीब घर भी गरीबी छ, माँ बाप घर भी गरीबी छो, इसका पैसा भी वह जमाना में नहीं छो, तो हम रोज रोज थमल लुछे दियोला तो कक बटेल होला पैसा फिर मोल कह ला थमल दथड़ी। तो हम 4 बजे माँ बांजे गोल ठीक डेरम इन जमान छो भाई बुला हमारो। और आज हमारी बेटी बोरी वाला बिल्कुल काम नहीं का बस चल गिनवास इन तो जमीन आसमान हुई क्या कोई खेती छे हमारी ना खेती तो थोड़ा बहुत आस पास से थोड़ा से थोड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा नहीं तो ये गाँव जन जमाना मुझ आना कि घाट शिवल कूड़ी है इन शेरी घेरी इन खेती चाहिए चांद से चांद से पुंगड़ी हाँ और अग नहीं इन बुल छा ना चाहिए चाहिए ना चाहिए चाहिए मतलब निश्चित चांद निश्चित नाम सर ने बुल चाहिए चांद से पुंगड़ी हाँ और निश्चित नाच निश्चित हाँ हाँ यू रावल है हाँ ये चा इन चा। तो माता जी कह रही हैं कि जब हम शादी करके इस गांव में आई वो तो तब उनको रोटी चूल की यानी मंडवे की हाँ एक एक रोटी हाँ, तो एक भी रावल मोटी रोटी हाँ मोटी। और उसके साथ बाड़ी बाड़ी भी चून की बनती हाँ, है मंडवा को इस समय तक जब ये 12 एक बजे तक हाँ, 14 15 पूले बड़े बड़े घास के हाँ, और एक लट्ठा जो बांझ की लकड़ियां जिससे खाना हाँ, बनाते हैं वो आगे। आप अगनो क्या चे शकुंतला देवी पड़े कतुकर खक्का जी पड़ा ही घास ही काट भोए पानो देगा तुम हाँ ये स्कूल नहीं गया खक गया था पाड़ी नहीं तो आप भोजन माता भी छो ना स्कूल भोजन माता तो नो ना बच्चा अपल यूं पुंगड़ी घास काटी की वाले पड़े वानी हाँ, वानी पड़ी खेची करे मन दुनिया भर लोग की जाली छोड़ ले के करी अपनी काम छा अपनी छाई नहीं छा समय दुनिया भर की वो सारू बुनी रो तो सट नु को बियर एक बियर पानी ती एक छाई छी पांच छाई मतलब नौ नहीं भी बहुत ज्यादा काम करी ना लड़की उन हमर बहुत काम करी उन भी जब उन सहयोग जाता भी तमन करी छी का काम उन पाड़ छे तो ये कह रही है महिलाएं कि जब पहले पहले के यानी आज से करीब करीब 30-40 साल पहले क्योंकि उत्तराखंड में खेती तब छूटनी शुरू हुई जैसे उत्तराखंड अलग हुआ समझ लीजिए कि वो परंपरा जो खेती की पुरानी थी वो खत्म होती गई। निचली गांव जब भी बसा होगा तो यहाँ के पूर्वजों ने इस बात का ध्यान रखा कि खेती के लिए बहुत अच्छी ज़मीन मिले, इसलिए लगभग चारों तरफ पूरे गांव के चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ती है सीढ़ीदार खेतों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है और यही वजह है कि यहाँ पर गांव धीरे धीरे बसता चला गया। पानी की भी सुविधा है यहाँ पर, हालांकि अब गर्मियों के समय में दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन जब बहुत अच्छी खेती थी लोग खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा काम करते थे तो लोग बता रहे थे गांव के कि उनके घर अनाज से भरे होते थे क्योंकि बरसात में हो या फिर जो हमारी बरसात पर मौसम आधारित फसल हैं जैसे कोदा है झिंगूरा है तमाम जो उड़द दालें हैं हमारी वो बरसात में होती हैं और इसलिए भी इस गाँव के नीचे पूरी सीढ़ीदार खेत हैं। सबसे अच्छी बात जो लगी कि जैसे हम गाँव में पहुँचे बिना पूछे कि आप कहाँ से आए हैं पहले तो खाना खिलाया गया उसके बाद गांव वाले मिलने आए महिलाओं ने अपना संगीत जो है फोक संगीत वो सुनाया और ये बड़ा अच्छा लगा गांव में आकर। बहुत मिलनसार लोग हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे बातचीत की जो गांव के बारे में कहानियां हैं वो बताई। इस गांव से ही हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं नरेंद्र सिंह भंडारी, उन्हीं का ये गाँव है।
बड़ा की ऋतु अब जाना लागे, प्यारा बसंत अब आना लागे, जाड़ा की ऋतु अब जाना लागे, प्यारा बसंत अब आना लागे, खेती बाड़ा को बागत आगे, खेती बाड़ा को बागत आगे, साचुची बुआरी मैं तोड़ा चल गे, साचुची बुआरी मैं तोड़ा चल गे, जा बेटा रामो ससुरास जाती, बेटा रामो ससुरास जाती, है बारी बोले की चटपट लाती, बारी बोले की चटपट लाती, राम का दगड़ा माँ संता आएगे, राम का दगड़ा माँ संता आएगे, अरसा चालू को वो दूना लेगे, अरसा चालू को से दूना लेगे। निशणी गांव पहुंचने के दो प्रमुख मार्ग हैं। पहला मार्ग देहरादून से ऋषिकेश, उसके बाद फिर देवप्रयाग, देवप्रयाग से पौड़ी के लिए अलग रोड कटती है जो नेशनल हाईवे से अलग है, और फिर पौड़ी शहर से भुवाखाल से थोड़ा सा आगे करीब 5-6 किलोमीटर यानी पौड़ी शहर से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर निशणी गाँव स्थित है। दूसरा मार्ग कोटद्वार शहर से है, कोटद्वार से पौड़ी नेशनल हाईवे में भुवाखाल के पास आपको आना होगा, और ये करीब 95 किलोमीटर कोटद्वार से पड़ता है, और वहाँ से फिर 5-6 किलोमीटर निचड़ी गांव। पहाड़ों में गाँव में एक तो बांदर है और एक बुड्ढे हैं यानी बुजुर्ग हैं, एक बांदर चीन और एक सुंगर बांदर और बुढ़िया लोग बाघ भी सी ना, पर जानवर ज्यादा नुकसान बांदर और सुंगर का ना चीन है ना। गाँव के ऊपर धार में तमाम बुजुर्ग महिलाएं आई हैं, थोड़ी देर अपनी अपनी गप मारेंगी और जैसे ही सूरज डूब जाएगा फिर वो अपने घर चली जाएंगी। अच्छा, गांव जैसे ही हम घूमने आए, हमको निशणी गांव देखना था, तो बड़ा अच्छा गांव है, बहुत बढ़िया गांव है हमारा। और आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है, मतलब इतने खेत बनाए आपके लिए है ना, जबकि दूर भी नहीं थे खेत, नजदीकी चीज ना, हमारा तो काफी दूर से कंडार है, कंडार तक है खेती कर, कंडार तक, कंडार गांव तक है, चला पान बोतल को ये बोल ये गाड़े सारा लंबी से उने ही ढोंडा बोतल बिजाम दूर से नहीं सने खेती ता। हां, एक काम के हमारा निशणी कोने कहा वच चांद चांद जन कुछ बोल द छिन के बोल दी ना, तो रात बार सिंधनी से निशिन भी गलो। मतलब गांव की जो महिलाएं बुजुर्ग वो कह रही हैं कि निशणी के लिए कहावत थी कि रात को सोते नहीं थे और दिन को खा नहीं पाते थे कि इतना काम होता था खेती बाड़ी का। अब आप सोचिए कितनी खेती रही होगी। वैसे भी गांव में तो पुराने लोग हैं कि अनाज के बड़े बड़े भरे रहते थे पहले, घर का अनाज पूरा होता था, बच्चे भी पड़े होंगे वो भी करा होगा खेती करे, और डांड गए 5-7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ से भोजन आए, तो अब कहाँ है, अब तो ये है, ये अब सब चीज फैसिलिटी हो गया बेटा। हाँ, ये तो है, आजकल लग बेट भर रहे हो मतलब बुढ़ियों का अच्छे ले रहा सिंदी खटा जा खानों वो लचपल ये देख अच्छा चल रहा। तो आप लोग नौ नबे खीरे नहीं बैर, बैर आपके लिए नहीं जाना था, नौ नौ दगड़ा बेटियों दगड़ बैर लड़कों का निकाम खुले हवा में नहीं वो क्या बात, वो घड़ा बंद ना मैं साफ हवा धूप धूप साफ पानी गाड़ी ने बटी फलानी ने बटी यालन वालन
ये क्या थे जक मर्जी जक जा अभी मर जानी चल जाला घूमना भी मर जानी तने चल जाला मर जानी घर में रहला अभी मर जानी टीवी लगा अब बच्चों धगे से बोला टीवी भी नहीं देखा मेरे बच्चों पढ़न खान कैसे हलनो फलनो। तो ये बातें हैं जिससे गांव में पुराने लोग रुकना चाहते हैं। खुला मेरा द्वार से आजा मेरी माता रानी तेरा इंतजार से मनमोजी फक्कर देखिए मनमोजी मजे जो है आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। लंबे समय से सोच रहा था कि निचणी गांव जाऊं, उस गांव को आपको दिखाऊं कि पौड़ी का सबसे बड़ा गांव कैसा है, कैसे वहां जो गांव का ट्रेडिशन है, किस तरीके से ये गांव बसा होगा, उसकी पूरी कहानी आपको बताऊं। अच्छा लगा, लेकिन बहुत कुछ शायद छूट भी गया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निचणी की कौन सी बात छूटी है, कौन सी ऐसी इतिहास के पन्नों में ऐसा निचणी में क्या हुआ था जो हम आपको नहीं बता पाए। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल। निचणी गांव से हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम बुजुर्ग माताएं हमसे मिली, बातचीत हुई, पुरानी बातें उन्होंने बताई। अच्छा बोली, सब लोग होते हैं, नमस्कार। धन्यवाद बाबा, आशीर्वाद आशीर्वाद। चौराड़ी को वालो सुखिलो, चौराड़ी को वालो सुखिलो, मीछा बद्योरी ले तुम्हारो, मीछा बद्योरी ले तुम्हारो, द्योरी मेरा तीन सा उसाटा, द्योरी मेरा तीन सा उसाटा, उमादी को द्योरी लो हेलो, उमादी को द्योरी लो हेलो, मीछा छोटो घाना श्यामा, मीछा छोटो घाना श्यामा, जूरी रे चौराड़ी क्यों लुकी, जूरी रे चौराड़ी क्यों लुकी, मीछा बोदा दूजी की डेरा, मीछा बोदा दूजी की डेरा, दादू तेरा कुमा हूँ जयानी, दादू तेरा कुमा हूँ जयानी, कुमाऊ क्या काम गे होला, कुमाऊ क्या काम गे होला, कुमाऊ बल दू के व्योपारी, कुमाऊ बल दू के व्योपारी, धारे मा को होलो सुखिलो, धारे मा को होलो सुखिलो, मीछ बद्यूरी ले तुम्हारो, मीछ बद्यूरी ले तुम्हारो,